हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आरके है और धमाकेदार वीडियो में सही पहले दोस्तों का स्वागत करता हूं। गाइस, आपको बता दूं कि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइनीज़ के बहुत सारे एप्लीकेशन तड़ीफार किए गए हैं और साथ में उनके आपके एजेंडा सैरेट वगैरह भी एप्लीकेशन चले गए हैं जिनसे आप फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करते थे। मैं आपको बता दूं कि एजेंडा और सैरेट के ओल्ड वर्जन जिनके फ़ोन में इंस्टॉल हैं वो आज भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अपने दोस्तों को बता दूं कि उन्हें चलाना रिस्क से खाली नहीं, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें इंस्टॉल करके मत रखो, अपने फ़ोन में अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि इस वीडियो में एक धमाकेदार एप्लीकेशन अपने दोस्तों को मैं खुद देने वाला हूं, जो कि गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप इजीली कोई सा भी फाइल सेकंडों में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे डाउनलोड करना और कैसे यूज करना, सारा डिटेल से आपको इसी वीडियो में सिखाया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना और लाइक ज़रूर करना। फिर दोस्त अगर पहली बार हमारी वीडियो विजिट कर रहा है तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को बेकार सी वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होती है। इस वीडियो को देखने बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कोई दोस्त अगर पहली बार वीडियो विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री होता है। घंटी को भी अल्प सेलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूँ अपने दोस्तों के लिए, तो मेरे सभी दोस्तों के साथ साथ आप भी हमारी आने वाली वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल फाइल। लोगो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सिंपल से आपको ऊपर सर्च कर देना है गूगल फाइल, एंड पहले नंबर पे आपको इसका लोगो देखने को मिल जाएगा और इसे आपको आसानी से इंस्टॉल कर लेना है। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि नाम इसका सुनिए, गूगल फाइल। क्या यार, नाम सुन के आपको कितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये एप्लीकेशन गूगल की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, फाइल कैसे हम शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सिंपल सा हमें इसे ओपन के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे हम ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो नीचे आपको एक शेयरिंग का बटन देखने को मिल रहा है, सिंपल सा आपको उस पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर एजेंडर और सैरेट की तरह ऑप्शन आ जाते हैं, सेंड का और रिसीव का, ठीक है। तो यहाँ का आगे का ख्याल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस मोबाइल में आप जो फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसमें भी आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अगर आप यहाँ से सेंड करेंगे तो दूसरे फोन में आपको रिसीव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो अगर आप यहाँ से सेंड करेंगे तो दूसरे फोन में आपको करना है रिसीव, एंड अगर आप यहाँ से रिसीव करेंगे तो पहले फोन में करना है सेंड। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ एंड दूसरे फोन में करता हूँ रिसीव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया एंड दूसरे फोन में करूँगा मैं रिसीव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राहुल पे टैप करूँगा एंड यहाँ पर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, कनेक्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे, कनेक्ट हो चुका है। अलाउ बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से कोई से भी फोटोज़ वगैरह ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह या फिर ऐप्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, इमेज वगैरह सब कुछ आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई वीडियो आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, नीचे की तरफ कोई छोटा सा वीडियो जल्दी से उठा के शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया एंड नीचे सेंड का बटन मिल जाएगा, सेंड बटन पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर देख सकते हैं फंड ट्रांसफर, ये आगे दूसरे वाले फोन में लाइव अभी आप सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, आपकी फाइल शेयरिंग की समस्या अब सॉल्व हो गई है। तो अगर अभी भी आप अपने एजेंडर वगैरह को फोन में रखे हुए हैं तो जाकर सबसे पहले उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और गूगल की तरफ से जो प्रोडक्ट है मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद तो है कि दोस्तों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हुई है। ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और कोई डाउट अगर मन में रह रहा हो तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट मैं सबके पढ़ता हूँ और कमेंट के हिसाब से उनकी हेल्प भी करता हूँ। और आगे आने वाली वीडियो कोई सी अगर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका पैसा भी चार्ज नहीं लगता। चलिए भी किसी धमाकेदार वीडियो में, टाटा बाय, वंदे मातरम।